बागेश्वर संजोली मस्जिद मामले में आज भी सुनवाई हुई, लगातार सुनवाई का दौर भी जारी है, तो आज क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो पिछले 3 दिन पहले जो नगर निगम के पास जो ये केस था, वहीं आज जो जिला अदालत के पास ये सुनवाई हुई है, वहीं उन्होंने खासकर जो 22 के लिए सुनवाई टाल दी गई है और खासकर कहा गया है कि जो एमसी में जो दस्तावेज यानी कि प्रेषित किए गए थे जो वक्फ बोर्ड की तरफ से, ऐसे में जो अलाकत अली हाशमी जो कि ऑल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश प्रवक्ता भी है, उन्होंने कहा कि ऑथोराइज नहीं है। ऐसे में खासकर जो नगर निगम ने भी जिस तरीके से जो 5 अक्टूबर को जो सुनवाई की थी उसके खिलाफ उन्होंने जो स्टे लगाने के लिए यानी कि हाई कोर्ट पहुंचे थे और हाई कोर्ट में जो ये केस लगातार उस दौरान से निरंतर चल रहा है। ऐसे में खासकर जिस तरीके से आज जो अदालत में जो पेश किए गए थे उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि खासकर जो ये जो मामला है काफी पेचीदा है, ऐसे में खासकर जो मोहम्मद लतीफ क्या ये ऑथोराइज है या नहीं, ये डॉक्यूमेंट देने के लिए कहा गया है। और जो अगली जो सुनवाई होगी यानी कि 22 नवंबर को यानी कि शुक्रवार है, उस दौरान जो वक्फ बोर्ड को ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि वो अपना हल्फनामा अदालत में पेश करे, जो क्या मोहम्मद लतीफ जो कि वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष माने जा रहे हैं क्या वो ऑथोराइज है कि नहीं। अगर ऑथोराइज नहीं है तो शायद इनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो अगर जो 12 सितंबर की अगर हम बात करें तो सैम जो मोहम्मद लतीफ और जो नवाब शहजाद है जो कि इमाम है वहां का जो संजोली मस्जिद, तो उन्होंने स्वयं एक हल्फनामा दिया था नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री के पास, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था या तो इस मस्जिद को सील कर दिया जाए 3 मंजिल को या फिर इसे तोड़ दिया जाए। उसके पश्चात जिस तरीके से जो इसका फैसला आया था नगर निगम का, तो उस दौरान नगर निगम ने कहा था कि इस जो मस्जिद है 3 मंजिले से तोड़ दिया जाए, लेकिन उस दौरान एक बालूगंज में एक बैठक हुई थी जिस दौरान मौलाना मुमताज कासमी जो कि इमाम है बालूगंज मस्जिद के, साथ ही जो और जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रदेश प्रवक्ता जो हाशमी जी इसमें उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि जो मोहम्मद है वो देखा जाए तो वो ऑथोराइज ही नहीं है, वो अगर देखा जाए जिस तरीके से संजोली मस्जिद के जो अध्यक्ष है वो ऑथोराइज नहीं, इसको उन्होंने चुनौती दी थी और खासकर ते लगा रहे थे कि जो ये उन्होंने ये भी कहा कि इस मस्जिद के निर्माण के लिए हमने भी स्वयं पैसे दिए, इसके अलावा अन्य लोगों ने भी इसमें कट्टे दिए। ऐसे में जो मोहम्मद लतीफ है वो ये निर्णय नहीं ले सकते हैं कि उन्होंने दस्तावेज नगर निगम के पास प्रेषित किए कि मस्जिद को तोड़ दिया जाए या सील कर दिया जाए। ऐसे में कुछ चुनौती देते हुए जिस तरीके से आज जो न्यायालय में जो फैसला सुनाया है, जो नेक्स्ट जो पेशी होगी यानी कि 22 नवंबर को, इसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि जो क्या मोहम्मद लतीफ जो उनसे एफिडेविट मांगा है कि क्या जो मोहम्मद लतीफ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है या नहीं। जी कामेश्वर, पहले जब ये लड़ाई शुरू हुई तो हिंदू समाज और मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं वो आमने सामने थे, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी और मुस्लिम कमेटी जो है वो आमने सामने दिख रहे हैं। इन सब में जो हिंदू समाज है उनका क्या कुछ कहना है? आगे देखा जाए जिस तरीके से जो हिंदू समाज है वो फिलहाल अभी जो न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, और खासकर जिस तरीके से आपने बताया ये जो मामला था पहले 31 को जिस तरीके से एक हिंदू और मुस्लिम के बीच लड़ाई हुई जिसमें जो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन्होंने संजोली जो मस्जिद है उसमें शरण ली, जिसके पश्चात स्थानीय लोगों ने आंदोलन किया। लगातार जो आंदोलन है वो लगातार तीव्र गति से बढ़ते गए। अगर देखा जाए चौड़ा मैदान जो विधानसभा 70 भी चला था उस दौरान भी धरना प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा 2 उग्र आंदोलन जो बड़े विशाल आंदोलन कहा जाए तो उसको सुमटी और जो संजोली में किए गए थे। इसके पश्चात खासकर जो मामला था वो डगमगाया, अपितु जो देखा जा रहा था जो संजोली मस्जिद का जो मामला था वो इतना दूर पकड़ गया था, खासकर जो कुल्लू मंडी जो अन्य जिला में भी जो आवेद मस्जिद थे उसमें भी कार्रवाई होने शुरू हो चुकी थी, और खासकर जो लोग है वो सड़कों पर उतर गए थे, और खासकर जिन जिन क्षेत्र में जो देखा जा रहा था कि अवैध रूप से जो मस्जिदें बनी थी वहां पर स्वयं लोग भी आए और उन्होंने अपनी मस्जिदें भी स्वयं तोड़ी जो कि अवैध थी, जैसे कि मंडी में हुआ था। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र थे वहां भी टूट पकड़ा था। फिलहाल अब जिस तरीके से जो देखा जा रहा था कि ये समुदाय का जरूर बन चुका है, और देखा जाए देवभूमि हिमाचल में आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो हिंदू मुस्लिम की कभी लड़ाई हो, खासकर एक अवैध और अवैध के रूप में जिस तरीके से जो देखा जा रहा था। तो इसके मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जो विधानसभा सत्र उस दौरान चल रहा था उन्होंने कहा था कि अब ये वैध आवेद का मामला नहीं है, ये एक संप्रदाय का मामला बन चुका है, इसे जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। जिसके पश्चात जो ये मामला है फिर नगर निगम आयुक्त के पास जब आया था और उस दौरान उन्होंने ये निर्णय लिया था कि जब स्वयं भी जो मोहम्मद लतीफ ने एफिडेविट दिया
कि इस मस्जिद को यहाँ तोड़ दिया जाए या फिर इसे सील कर दिया जाए, उसके पश्चात ये कार्रवाई की थी। लेकिन उसके पश्चात जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रदेश प्रवक्ता है हाशमी जी, इन्होंने जो बैठक की थी बालूगंज में, जिसमें मौलाना मुमताज काफी जो इमाम है वहाँ के बालूगंज के, उन्होंने इकट्ठा किया था। उन्होंने कहा था कि खासकर जिस तरीके से अगर हम अवैध की बात करें तो वो इसमें ऑथोराइज नहीं है। जो मोहम्मद लफीक है वो अगर देखा जाए जो वो जो अध्यक्ष कहा जा रहा है वक्फ बोर्ड की, वो नहीं है। उन्होंने इसीलिए जो अदालत ने आज स्पष्ट रूप से कहा कि वो जो 22 नवंबर है यानी कि शुक्रवार है, उस दौरान ये एफिडेविट हल्फनामा कोर्ट के पास पेश करे क्या वो अध्यक्ष है या नहीं, तो इसके ऊपर अब देखा जा रहा है। और खासकर ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो 8 सप्ताह के अंदर इस मामले को सुलझाने का आदेश जारी किया गया। ऐसे में जो 21 दिसंबर से पहले ही जो ये मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, और खासकर जिस तरीके से जो आदेश भी जारी किए गए थे कि 3 मंजिलों को तोड़ दिया जाए, तो कुल मिलाकर तो देखा जा रहा है, पूरी उम्मीद जताई जा रही है। दोनों पक्षों के वकीलों ने भी कहा है कि खासकर जो 21 नवंबर है उस दौरान जो फैसला जरूर आएगा, और जो ये एफिडेविट मांगा है इसके आधार पे ही जो नेक्स्ट कार्रवाई की जाएगी।